नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस को लेकर आ रही है, राहुल गांधी को लेकर आ रही है। राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, यानी कि लोकसभा की जो सदस्यता है वो चली गई है। 2 साल की जो सजा हुई है वो भाजपा की वजह से नहीं, वो कांग्रेस ने जानबूझकर देखिए राहुल गांधी को साइडलाइन कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है कांग्रेस के हवाले से। देखिए, अगर बात की जाए खबर क्या है, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक प्रमुख मीडिया आउटलेट के जो फेस्टिवल हो रहा था उसमें गए थे। अब वहां पर देखिए राहुल गांधी का जिक्र उठा, तो राहुल गांधी और कांग्रेस को देखिए आरोप, कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि राहुल गांधी को फंसवाने वाली, यानी कि जो सजा दिलाने वाली जो है वो खुद कांग्रेस है। जी हाँ, कांग्रेस ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे कि राहुल गांधी की सजा जो है वो ना हो सके। इतने बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस के पास, इतने बड़े बड़े देखिए राजनीतिकार हैं, वो सब कहां चले गए थे जब राहुल गांधी को सूरत में पेश होना था, सूरत के कोर्ट में पेश होना था। एक नॉर्मल सा देखिए वकील करा था उन्होंने, और उस वकील ने भी देखिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की थी। ये काफी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि देखिए कि कल से ही खबर काफी उठ रही है कि राहुल गांधी के जो वकील थे वहां पे, उन्होंने कुछ खास देखिए आर्ग्यूमेंट नहीं की थी। अब वो उन्होंने देखिए जानबूझ कर नहीं की थी, या फिर देखिए उनको पहले से ही अपने ऑर्डर थे कि कोई खास आर्ग्यूमेंट आप मत देना। ये जो कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ जो वक्तव्य आया है कोर्ट का, जो वर्डिक्ट आया है, तो उसमें पहले से ही शायद ऐसा हो सकता था कि कांग्रेस ने पहले से ही रणनीति बना रखी हो, और कांग्रेस आलाकमान शायद इसमें शामिल हो सकती है कि राहुल गांधी को सजा दिलाने के लिए। अब देखने वाली बात है कि जो केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया वो कितनी तरह से ठीक हो सकते हैं, कांग्रेस का जवाब इस पर क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।